नमस्कार। आपला जुळे न्यूज मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। आता आपण आजच्या ठळक घडामोडी, मी दिलीप चौधरी। नवपूर कब्रस्तान येथे विविध कामांचा शौचालयाचा शुभारंभ आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या हस्ते झाला संपन्न। गॅस दरवाढीचे भाव त्वरित कमी करावे म्हणून राष्ट्रवादी महिलातर्फे निदर्शने करून माननीय जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन। शिरपूर तालुक्याला सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा, भाजपातर्फे माननीय जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन। धुळे देवपूर कब्रस्तान मध्ये माननीय डॉक्टर आमदार फारुख शाह यांच्या हस्ते शौचालय, रस्ता, LDDP असे विविध कामांचे उद्घाटन करण्यात आले। कब्रस्तान मध्ये जे शौचालय बांधले ते तिघे नगरसेवक यांनी महानगरपालिकेकडून फंड आणून हा शौचालय बांधण्यात आला। त्यामध्ये नगरसेवक नासिर पठाण, सईद बेग, गनी डॉलर या तिघांनी नगरपालिका फंड आणून निधी आणून हा शौचालय बांधला। तसेच वरील तिघे नगरसेवक मिळून 12.5 लाख प्रमाणे समान खर्च टाकून रस्ता करण्यात आला। आमदार निधीतून 10 लाख LED साठी निधी देऊन DP चे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी सर्व नगरसेवक पदाधिकारी आमिर पठाण, सईद बेग, नासिर पठाण, सोहेब मुल्ला, रफीक पठाण आदि सर्व यावेळी उपस्थित होते। शौचालय का हमने आज लोकार्पण किया है। वो शौचालय हमने मनपा फंड से बनाई है। हमारे नगर सेवक नासिर पठान, नगर सेवक सईद बेग और नगर सेवक गनी डॉलर, हमारे तीनों नगर सेवकों ने मिलकर ये शौचालय मंजूर करवाया था। उसके बाद ये जो रोड हमने आज जिसका लोकार्पण किया है उसके लिए हर नगर सेवक के फंड से 12.5 लाख रुपए हमारे तीनों नगर सेवकों के फंड से, उसमें 12.5 लाख रुपए इन्हें टोटल 37.5 लाख रुपए का रास्ते का हमने कंक्रीट रास्ते का लोकार्पण किया है। उसके बाद 10 लाख रुपए के जो LED लाइट लगाए गए हैं वो मेरे आमदार निधि स्थानिक विकास निधि से हमने लाइट लगवाए, उसका भी लोकार्पण किया है। इस मौके पर आज हमारे साथ हमारे सभी नगर सेवक, हमारे पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक आमिर पठान, हमारे नगर सेवक सईद बेग, नगर सेवक नासिर पठान और हमारे शोएब मुल्ला, हमारे रफीक पठान और सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद। आज के बातमी इतने संपले, पुनः भेटूया पुढच्या बातमीपत्र।